हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो बड़े हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का आशीर्वाद लेके आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको बता दें, हमारी एक बहन है जुनीनू, बोला है कि दीदी जब आप वीडियो डाला करो तो उसका डेट और दिन आप लिख दिया करो या फिर बता दिया करो। तो इसीलिए आज के बाद जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें डेट भी हम बता दिया करेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो लिख दिया करेंगे। तो आज है संडे और सुबह सुबह का टाइम है। आज का जो काम है ना वो मैं बहुत जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ सारे कामों को, क्योंकि हमें निकलना है प्रयागराज संगम के लिए, जाना है हमें गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। माघ मेला चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है, तो अभी लास्ट हो गया है। लास्ट मतलब माघ का जो लास्ट टाइम है वो चल रहा है और शुरुआती दिनों में हम जा नहीं पाए हैं। और आज का मौसम बहुत बहुत अच्छा खिला हुआ है, धूप सुबह से ही खिल गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मौसम है बहुत अच्छा खुल कर आ गया है। और हमें निकलना भी था, तो कल तो सोच रहे थे कि पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, ठंड रहेगा या फिर कैसा रहेगा, लेकिन सुबह देख कर दिल खुश हो गया, तबीयत मस्त हो गई, इतनी अच्छे से मौसम खिला है। तो जल्दी जल्दी से मैं गोबर और झाड़ू सारे काम निपटा लूँगी बाहर का, और यहाँ वहाँ का तो गोबर उठा लिया है, घर के सामने दरवाजे के सामने जो रहता है, और यहाँ पे रात में बंधी रहती हैं भैंसे, तो इसका गोबर भी हमने उठा लिया और उठा करके यहीं पे फेंकेंगे। और पहले मैं सोच रही थी कि ये जो गोबर का ढेर लगा है इसमें फेंक दूँ, फिर मैंने सोचा कि ऊपर भी मैंने एक गोबर का ढेर लगा के रख दिया है, वहाँ पे फेंक दूँगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी लगातार, मौसम ठीक नहीं था, धूप नहीं निकल रही थी, तो इसलिए बहुत सारे गोबर इकट्ठे हो गए हैं। तो फटाफट से मैं मेरा सारा काम बाहर निपटा करके आ गई हूँ। बाहर के भी बहुत सारे काम होते, करीब 1-1.5 घंटे लग जाते हैं मुझे बाहर के सारे काम निपटाने में। और उसके बाद आ गए हैं हम अंदर, और यहाँ पे माही के पापा बकरियों को सानी लगा रहे हैं। गाय भैंसों को तो इन्होंने सानी पानी कर दी है, पर बकरियों की सानी ये लगा रहे हैं अभी। और मैं थोड़ा सा सोफे का जो कवर मैंने चादर इसके ऊपर डाल रखी थी डालती हूँ, इसको ठीक करूँगी, क्योंकि दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा करती हूँ फिर वैसा हो जाता है। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह सब कुछ क्लीन कर दो, साफ़ कर दो, तो फिर देखने में अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। कोई घर में आ गया तो देखने में भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। और बच्चे अभी बिस्तर पे हैं, सब सो रहे हैं, आज संडे है तो थोड़ा सा लेट उठेंगे, लेकिन इन लोगों का 8 बजे से ट्यूशन है, तो 8 बजे ये लोग ट्यूशन जाएंगी। और आज संडे था तो मैंने कुछ बोला भी नहीं कि चलो 8 बजे तुम लोग उठना, डायरेक्ट कुल्ला दातून करके चाय पी के चले जाना, फिर वहाँ से आना तो नहाना धोना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चादर को ठीक कर दी हूँ, जो सोफे के ऊपर मैंने डाल रखा था, और संदूक के ऊपर जो चादर हमने डाल रखी है इसे भी ठीक कर दी है। और अब घर में लगाऊंगी झाड़ू। 2 पावदान मैं घर के अंदर रखती हूँ, एक किचन के सामने रखती हूँ और एक ऐसे बीच में रख देती हूँ कि कोई भी बिस्तर पर चढ़ने से पहले पैर को थोड़ा सा साफ कर ले। तो झाड़ू फटाफट से लगा लेते हैं। कि दोस्तों चाय बन रही है और हमने मंगवाया है पावरोटी, बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, माही इधर तैयार हो रही है देखिए, तो बस इन लोगों को चाय पारोटी बना के दे देंगे, खा लेंगी ये लोग, फिर फटाफट से हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और दूध बह गया था जल्दी जल्दी में, एक काम छोड़ के दूसरा काम देखने के चक्कर में, दूध और चाय दोनों एक बार तो हमने पोंछ दिया था दूध को, ये देखिए। और इधर भी थोड़ा सा गिरा है, ये इसी भगोने में उबाला था दूध को, इसकी हालत कैसी हो गई। तो दोस्तों चाय नाश्ता करवा के बच्चों को हमने ट्यूशन भेज दिया है, और उन लोगों के आने का टाइम भी हो रहा है। तो घर के बहुत सारे काम थे जिनको मैं जल्दी जल्दी से सारे कामों को ख़त्म की हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है। और साड़ी मैंने यही वाली पहन ली है, डायरेक्ट यही पहन ली है, फिर बार बार बदलना, क्योंकि 10 बजे के करीब हमें घर से निकल जाना है। और अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो खाना तो बना लेंगे पहले, तो नहा करके आ गई हूँ मैं और पहले खाना बनाएंगे। तो सब्जी तो नहाने से पहले मैंने धो के काट करके रख दिया था, उसके बाद अब आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाएंगे, और आलू गोभी की सब्जी बन रही है सिंपल सी। ये मैंने इसमें जो काली काली डाली है ना, ये बड़ी मैंने डाली है, इसे कुंहड़ौरी भी बोलते हैं, तो ये बड़ी घर की बनाई हुई है, हमने नहीं बनाया है, मम्मी के यहाँ से ये बड़ी आई है, हमने नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया घर में बनाने की, खुद से मम्मी के यहाँ से आ जाती है इसीलिए। तो जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, लहसुन और प्याज और बड़ी का, इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और लहसुन अगर घर में ना हो
कभी कभी प्याज भी नहीं होता है तड़का मारने के लिए, तो सिर्फ बड़ी से सब्जी में तड़का मार के बनाओ, उतने में ही सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन साथ सब कुछ था घर में तो मैंने बड़ी भी डाल दी है और ज़्यादा टेस्टी बना दिया है। सिंपल सी बनाओ लेकिन बहुत टेस्टी बन जाती है। तो इस तरह से मैंने गोभी को डाल दिया और नॉर्मल तरीके से बना लिया है और सब्जी तो बन रही है, उधर चावल भी बन रहा है। तो इधर हम गंगा घाट पे ले जाने के लिए कुछ तैयारियां हैं जो मुझे करनी है। तो साड़ी तो मैंने ऐसे ही डाल ली है लेकिन ठीक से अच्छी तरह से नहीं पहना है, जैसे मैं रोज़ पहनती हूँ वैसे मैंने पहन रखा है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम पहनूंगी, थोड़ा सा नीचे लटका करके, क्योंकि अगर घर में अभी मैं काम करूँगी बहुत नीचे पहन करके नहीं कर पाऊँगी, गिर ही जाऊँगी, तो जल्दी जल्दी मेरा कोई काम हो नहीं पाएगा। 10 बजे निकलना है तो इसलिए मुझे तैयार होना है। सब्जी चावल सिर्फ बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते के टाइम हमने पराठा बना दिया था और मटर भी हमने फ्राई कर लिया था। तो इधर ये चावल हम लेके जा रहे हैं, मैंने सोचा उस वो जो सामने बोरी दिख रही है इसमें चावल है, लेकिन जो साइड में बोरी रखी थी इसमें चावल है। तो कम से कम 4 से 5 किलो चावल मैं लेके चलूँगी, मैंने सोच रखा है। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे जहाँ ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको देने से मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और सुख मिलता है, मतलब जीवन में मुझे बहुत दान करने से मुझे बहुत सुख मिलता है। और ये मेरा स्वभाव है, हमेशा से मैं करती आई हूँ, बचपन में भी मैं ये करती आई हूँ। मेरी मम्मी पापा को बहुत अच्छे से पता है मैं जब छोटी थी तो मतलब क्या क्या चीज़ें किसको किसको देती थी। अभी अभी बातें जब हम सब इकट्ठे होते हैं ना तो बातें कभी ये होती है तो हम लोग बहुत हंसते हैं, मम्मी बताती है छोटी थी तो ये करती थी वो, तो ये मेरी आदत है। ये है पेड़ा जो मैंने बनाया था कल की वीडियो में, आप लोगों ने देखा तो मैंने और बचा के रखा था। तो ले चलूँगी गंगा मैया को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, अगरबत्ती फूल माला सब कुछ लेकर चलूँगी। वैसे अगर आप नहीं लेके आ रहे हो तो आपको गंगा घाट पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये है तिलवा, तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू, खिचड़ी के दिन मैंने निकाला था। तो सूखी दाल, चावल, थोड़ा सा काला तिल, कुछ दक्षिणा, और इसी तरह से मैंने खिचड़ी के दिन निकाला था। तो हम किसी को दिए नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दिखा नहीं है, तो उन सबको भी मैं ले चलूँगी गंगा घाट पे। और 3 4 से 5 किलो मैंने चावल भी ले लिया है ले जाने के लिए। और ये है हमारी गाय का दूध, तो गंगा मैया को दूध चढ़ाने के लिए ले चलेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भगवान पे भरोसा बहुत रखती हूँ, लेकिन ये नहीं कि गंगा मैया में बहा दो, इससे अच्छा तो यही किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तो अभी हम छत पे थोड़ा आ सा गए मैंने हैं और लिया हमारे है, हाथ में था नेल पेंट, लगा रहे थे नेल पेंट और बाल में कंघी करेंगे। थोड़ी सी धूप भी लेनी थी क्योंकि सुबह सुबह नहा लिया था और धूप में बैठे नहीं थे। हम लोगों को 10 बजे निकलना है, माही के पापा अभी है नहीं, घाट पे गए हैं तो वहाँ से आएंगे, मैंने उनको फ़ोन किया तो 10 बजे चलने के लिए रेडी। और बच्चे ट्यूशन गए तो वो लोग भी अभी नहीं आए हैं, 10 बजे वो लोग भी आ जाएंगे तो फिर हम निकल जाएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं। जब से माघ का महीना शुरू हुआ है तब से हम जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कभी मंगलवार कभी शनिवार ऐसे इसके पापा बोल रहे थे, लेकिन आज है संडे तो बच्चे घर पे हैं, हम अभी को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शायद कितना टाइम लग जाए, तो इसलिए आज हम निकल पड़े। और हमारी एक बहन है, 2 3 बहनें माताएं भी हैं जो प्रयागराज से हैं, तो वो भी बोली थी कि आप कब आओगे बताइएगा, तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी दिया था और वीडियो में भी बताया था कि हम संडे वाले दिन आने वाले हैं। तो अभी देखिए दोस्तों हम शहर में पहुंच चुके हैं और बात करते हैं आप सभी से आगे चलते हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि दीदी आपके यहाँ बसंत पंचमी की पूजा नहीं होती है, आपने नहीं किया क्या? तो हमारे घर में नहीं की जाती है बसंत पंचमी की पूजा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर करती है। और कहते हैं कि तुलसी माँ का पेड़ होना चाहिए बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए, मैंने सुना है, तो हमारे यहाँ तुलसी माँ का पेड़ भी नहीं था इसीलिए बसंत पंचमी की पूजा नहीं कर पाए हैं। हमारी एक सिस्टर है जिनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था दिसंबर लास्ट महीने में, तो मैं माता रानी से दुआ करूंगी, गंगा मैया से भी दुआ करूंगी कि आपके पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और वापस घर आ जाएं। तो दोस्तों हम संगम यानी कि प्रयागराज के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से करीब अभी 350 किलोमीटर दूरी पर है प्रयागराज यानी संगम जो घाट है। और माघ का महीना चल रहा है इसकी वजह से इतना भीड़ यहीं से जम गई है। इससे पहले हमें कभी ऐसी भीड़ यहाँ पे नहीं देखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी भीड़ जमा है चारों तरफ, आप देख सकती हैं
करीब यहाँ पे रुके हुए हमें 1 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे में हम परेशान हो गए हैं। सबका यही हाल है, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। और जितने भी लोग दिख रहे हैं आप सबको, सब प्रयागराज वाले रास्ते पे ही जाएंगे और वहीं पे जाने के लिए यहाँ पे इतनी भीड़ यहाँ से इकट्ठी हो गई है। इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था कि जो माघ का महीना चल रहा है इसलिए और ज़्यादा गर्दी से भीड़ है। तो मेरे चारों तरफ इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए, सब एक एक मिनट पे एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं। इतनी मुसीबत यहाँ पे है, पीछे देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ जमी हुई है और आगे भी इतनी भीड़ है। तो वीडियो का इसलिए मैं आज यही पे एंड करूँगी, इसके आगे का वीडियो कल।